देर रात थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव इचौड़ा के जंगल में बाइक सवार तीन बदमाशों की एसटीएफ नोएडा बिहार व रतनपुरी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई। इसमें बिहार से 2 लाख का इनामी बदमाश नीलेश राय मारा गया। देर रात थाना रतनपुरी क्षेत्र के गांव इचौड़ा के जंगल में बाइक सवार तीन बदमाशों की एसटीएफ नोएडा बिहार व रतनपुरी पुलिस के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें बिहार से 2 लाख का इनामी बदमाश नीलेश राय मारा गया है। उसके दो साथी फरार हो गए। पुलिस ने उसके पास से बाइक व दो पिस्टल व एक तमंचा तथा कारतूस बरामद किए हैं। बुधवार देर रात रतनपुरी थाने की कल्याणपुर पुलिस चौकी पर नोएडा और बिहार की एसटीएफ टीम अपराधियों के बारे में जानकारी ले रही थी, तभी बुढ़ाना की तरफ से एक बाइक पर आते तीन युवकों को पुलिस ने रोका। रोकना चाहा तो वो पुलिस पर फायरिंग कर खतौनी बुढ़ाना मार्ग की ओर भागने लगे। पुलिस टीम ने उनका पीछा किया तो गांव इचौड़ा के जंगल में उनकी बाइक फिसल गई और दो बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। एक बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। पुलिस ने उसे बुढ़ाना सीएससी पहुंचाया, वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसपी देहात आदित्य बंसल ने बताया कि मृतक की पहचान बिहार के कुख्यात बदमाश नीलेश राय निवासी बारो रामपुर थाना गढ़हरा बेगूसराय बिहार के रूप में हुई। उस पर बिहार सरकार ने 2 लाख का इनाम घोषित किया हुआ था। नीलेश पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी जैसे 16 गंभीर धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। एसपी देहात ने बताया कि 21 फरवरी 2024 को थाना गढ़हरा क्षेत्र बेगूसराय में पुलिस ने छापा मारा था, तब नीलेश ने साथियों के साथ बिहार पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायर किए थे और वह मौके से भाग गया था। इस दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी थी। नीलेश के दोनों फरार साथियों की तलाश में जंगल में काविंग की जा रही है।